हम अपने जान के दुश्मन को जान कहते हैं, हम अपने जान के दुश्मन को जान कहते हैं, मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो आंखों से दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, जो कानों से सुनाई दे उसे खामोशी कहते हैं। जो ये दीवार का सुराग है साहब, जो ये दीवार का सुराग है, चाइना पाकिस्तान अमेरिका के साजिशों का हिस्सा है, लेकिन हम उसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। सभा में उपस्थित सभी देशवासियों, भारतवासियों और गणमान्य अतिथियों को मेरा हार्दिक हार्दिक प्रणाम है। और मैं अमित कुमार, राष्ट्र प्रेम और देश निर्माण के उपलक्ष्य में आप सबों के सामने अपने कुछ विचारों को प्रकट करना चाहूंगा। सबसे पहले तो आप सबों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आजादी का असली मतलब क्या है? आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी देखी हो, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने आजाद भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में जल चुकी थी, लेकिन 1947 में वो बरसात बन करके हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का अगर बात करें, वर्तमान भारत का बात करें, तो उन कई सारे उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब फिरंगी के फेरे में हमारे देश फंस गए थे, तब रंगे बसंती चोला के नारों पर टोले के टोले उमड़ आते थे। वंदे मातरम के नारों से ऐसा तूफान उठता था कि अंग्रेजों के शासन के जड़ों में तूफान ला देता था। मर जाते थे लोग, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, और वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि उस वक्त देशभक्ति की कसौटी यही थी। लेकिन उसके बाद 62, 65, 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरतें जब घर का ये हाल हो जाया करती थी कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई और छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा विस्फोट हुआ कहीं पता चला नहीं। आपके लिए तो कोई आदमी मरा होगा साहब, लेकिन मेरे घर की तो रोटियां चली गई। ये हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी और खत लिखकर भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े हिजाओं से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, एक इंच भी पीछे ना हट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह से पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, देश लड़ जाने को, मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं करता, ना फांसी चढ़ जाने को करता है। मेरे विचारों में तो कोई व्यक्ति अगर अपने काम को पूर्णता निष्ठापूर्वक करता है तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानता कि फेसबुक और व्हाट्सएप में 3 रंग का डीपी लगा लेना ही देशभक्ति है। और अगर आप कहेंगे कि साल में 2 दिन हाथ में तिरंगे को ले लेना देशभक्ति है, तो उन बच्चों के बारे में आप क्या कहेंगे जो नंगे पांव में धूप में अपने हाथों में तिरंगा लेकर के ट्रैफिक सिग्नल में बेचा करते हैं। ये उसकी देशभक्ति नहीं, बल्कि साहब ये उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालय को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालय को जानते हैं, जो पेट के भूखे होते हैं केवल निवाले को जानते हैं। हम अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश का जो समर्पण है हमारे देश के प्रति, वही हमारा देशभक्ति है। और देशद्रोहियों के जीवन में आने वाला तूफान ही हमारा देशभक्ति है। ताकि हर कुछ ऐसा काम करे ताकि हर देशद्रोही ये समझ ले, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह लो इस देश में, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये शमशान भी तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही
से अधिक देशभक्ति तब आहत होती है जब एक बेटा अपने माँ बाप को वृद्धा आश्रम के चौखट पर छोड़ आता है। देशभक्ति तब आहत होती है जब मुसीबत में फंसे लोगों को मदद करने के बजाय लोग सेल्फी लेकर के लाइक्स बटोरने में लग जाते हैं, तब देशभक्ति आहत होती है। और आज का युवा एक छोटे से स्क्रीन में अपने कोमल उंगलियों के स्पर्श मात्र से अपने देशभक्ति की इमोजी भेज करके अपने देशभक्ति को साबित कर रहा है। हम ना साहब एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, पत्थर के मूरत को लगते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। तो इंसान को इंसान समझिए, मजबूर मजदूर को मजदूर समझ मजबूर समझ मत समझिए, गरीबों को काम दीजिए, दान नहीं और दान देना ही है तो रक्त दान दीजिए और मरणोपरांत अंग दान दे करके कईयों को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और सच्चा राष्ट्रभक्त है। ना सरकार मेरी है ना रब मेरा है, ना सरकार मेरी है ना रब मेरा है, ना एक बड़ा सा नाम मेरा है, बस इतनी सी बात का गुरूर है कि मैं भारत का हूं और ये हिंदुस्तान मेरा है। परंतु एक वैचारिक बीमारी भी हमारे समाज में भरपूर भरी पड़ी है। कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर कोई पैदा होते हैं, लेकिन मजबूरी यह है, समस्या यह है, दुख यह है कि कोई हिंदुस्तान में इंसान अब पैदा नहीं होता। ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की जरूरत है, राष्ट्र निर्माण के लिए तो केवल अच्छे इंसान की जरूरत है। जरा सोच कर देखिए, पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाएं, पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाएं, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। एक शैक्षिक बीमारी भी यहाँ पर दिखती है। बड़े आश्चर्य की बात है, जिस देश ने तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे वैसे विश्वविद्यालय दे करके दुनिया में विश्व शिक्षा का नींव रखा, आज उस देश का एक भी विश्वविद्यालय विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ विद्यालय की श्रेणी में खड़ा नहीं उतर पाता है। क्यों? क्यों? क्योंकि इस देश में अंधविश्वास जो इतना भर गया है, वो कहीं ना कहीं हमारे शिक्षा व्यवस्था को और हमारे युवाओं को एक लालच, एक शॉर्टकट पकड़ाता है। जब तक इस देश का युवा नारियल फोड़ करके अपने कामयाबी को हासिल करना चाहेगा, तब तक कभी भी इस देश का बड़ा निर्माण नहीं हो सकता, देश का विकास नहीं हो सकता। क्योंकि अगर चादर चढ़ाने से अल्लाह मिल जाते हैं, दिया जलाने से भगवान मिल जाते हैं, कैंडल जलाने से जीसस क्राइस्ट मिल जाते हैं, तो पहले उन कारीगरों को मिले होते जो इसका निर्माण कर रहे थे। तो भगवान का प्राप्ति या सफलता का प्राप्ति आपको आपके मेहनत से होती है और आपकी सफलता में ही देश की सफलता है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को दुनिया ने सिर निभाया है, तो क्यों हमने आस्था के नाम पर अंधविश्वास को बनाया है? बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहूंगा, छोटी सी कोशिशें ही करूंगा, क्योंकि ठोकरें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती है। और मुझे गर्व है भारतीय होने पर, मुझे गर्व है इस देश का एक निवासी होने पर, और मैं सैल्यूट करना चाहता हूं सरहद पर खड़े उन वीर जवानों को, उन सारे अधिकारियों को, उन ब्यूरोक्रेट्स को, जिनकी वजह से हम सभी और इस देश का नीति निर्माण हो रहा है और देश का संचालन हो रहा है, जिनके बिना निर्माण की कल्पना करना भी असंभव है। और ये हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम देश को आगे बढ़ाएं। तो इस मंच पर पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं भारत का बेटा ये कहना चाहूंगा कि हमारा राष्ट्र का निर्माण तब होगा जब हम सभी मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि देश का काम नहीं हमें आगे ले जाना, हमारा काम है देश को आगे ले जाना। और अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। आप सभी साथ में दोहराइए, मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। और पाकिस्तान ही क्या, पाकिस्तान ही क्या, सारा जहान जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम गुलिस्ते हैं इसके, ये गुलिस्ता हमारा। जय हिंद, वंदे मातरम।